और ये हम FYP की चीज़ें ले चुके हैं। ईमन बेसन ले लिया, अब हमें अंडे लेने हैं। मैदा ले लिया है, ओके सॉरी मैदा ले लिया, अब हमें अंडे लेने और हैं। और हमने ईस्ट ले ली, ईस्ट ले ली, ठीक है ठीक है। तो चलो ओट्स वगैरह भी लेने हैं, चलो जल्दी जल्दी। ओके ओके ओके, नहीं हमें ये वाले चाहिए, लेट्स से नॉट, ठीक है जैसा आपको, ठीक है हमने ले लिया। ओके ले रहे हैं ये प्रिंगल्स, हम अभी ब्रेड की शॉपिंग करने आए ना, चलो ब्रेड की चीज़ें प्लीज ले लेना। अच्छा चलो जल्दी से लो ये ब्रेड, ये यहाँ पे ब्रेड लेना है, ये वाला ले लो जल्दी से। ओके ओके चलो ओके गाइस, तो हम लोग आज FYP के लिए आए हुए थे और FYP का दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टार्ट हो और हम लोग कोई भी दिन स्टार्ट करें और उसमें खाना ना क्रेविंग्स थोड़ी दब जाए। तो ये लोगों का फेवरेट चीज ब्रेड के बजाय ये सब बन चुका है अभी। और ये हमारे वन एंड ओनली यशराज नान ने बड़े प्यार से ये चॉकलेट शेक बनाया है और अब हम लोग ये खाएंगे, फिर हम लोग FYP पे जाएंगे। हमारे स्पेशल ऑमलेट आप देख सकते हैं, हां स्पेशल है वो तो दिख रहा है ऊपर से। और ये हम लोग जब हम लोग एक अपना वो खोलेंगे ना, अंडा हाउस के नाम से हम रेस्टोरेंट खोलेंगे, इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको ऑमलेट की सारी टाइप्स दिखाएंगे और आप वहाँ पे अपनी क्रेविंग्स एंजॉय कीजिएगा सुबह सुबह आके, जिसके जो ऑमलेट लवर्स हैं उनके लिए स्पेशली exactly, और जो नहीं है वो लवर बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, ट्राई करें एक बार जरूर। तो ठीक है, तो अब हम लोग अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग FYP दिखाएंगे और उसके बाद एक और सरप्राइज है आपके लिए कि इसके बाद हम क्या खाते हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी ना। ओके जरूरी है, तो अब हम लोग तो फिर अब हमारा ये खाने पीने के बाद असल काम स्टार्ट हो चुका है FYP का, कंट्रोल सैंपल बन चुका है हमारे, तीन सैंपल्स रहते हैं ब्रेड के और हम लोग एक बहुत डिफरेंट ब्रेड बना रहे हैं, हमारा जो वो है वो हम आप लोगों को अपनी आगे के व्लॉग में दिखाएंगे। और हम इसके ये ऐसी ब्रेड बना रहे हैं जो एक डिजीज क्योर करेगी, तो अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। और ये देखें, ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है अपने अंदर। और अब देखते हैं आगे आगे देखते रहें आप लोग, ये हमारा बहुत मैस हो चुका है इसलिए इस पे जज मत कीजिएगा क्योंकि हमारा एंड रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएंगे। ओके अब ये हमारी ब्रेड बन रही है और ये मम्मा कर रही है क्योंकि हमें तो आइडिया है नहीं, और तीन सैंपल्स हमारे यहाँ रखे हुए हैं। ये T1 कहाँ गया इमन है? ओके ये इसमें था। ये T2 सैंपल है, ये T1 सैंपल है, इस तरह के तीन सैंपल और हैं। और इनमें क्या डिफरेंस है? ये कंट्रोल मतलब ये हमारी नॉर्मल ब्रेड है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या ब्रेड बनाई है और कौन सा ज़्यादा वो कल अच्छा साइंस भी हम टीचर से करवाएंगे हाँ। तो फिर हमें पता चलेगा। अच्छा पहले दूसरा हमारे सैंपल्स कहाँ चले गए? ओवर एक्टर, ये देखो ये दे तीन सैंपल्स हमारे, ये हमारी ब्रेड है, ये हमारी फ्लेक्सीड्स ब्रेड है, इसकी अलग स्पेशलिटी वो मैं बाद में बताऊंगी। ये दूसरी ब्रेड है, ये हमारी सिंपल वाली ब्रेड है, तीन ब्रेड्स हो चुकी, चौथी ब्रेड का मिक्सचर ये रहा और अब हमने ये वाली ब्रेड बनाई। वैसे टाइम हमारा जो है चाय टाइम है, ये एक दो कप हैं, एक यूसरा का एक मेरा, तो क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं तो थकन का है सिर्फ चाय। तो फाइनली हम लोग ये देखें यहाँ पे, मतलब अभी हम लोग रेस्ट करने का सोच कर आए थे और अभी हम लोग खैर चाय हमारी हो चुकी है और इधर इमन इधर का हाल दिखाओ, और ये वहाँ बैठ के यहाँ पे अभी तक T1, T2, T3 के साथ इनको करना कुछ नहीं आता, सिर्फ बातें बनानी, ये वहाँ पे ये बोलेंगे ये बस यहाँ पे बैठ के मेजर्स कर लेंगे और हम लोग हम लोग किचन में इतनी देर खड़े रहे और ये इतनी देर हमारा कंट्रोल सैंपल है, वहाँ T1 सैंपल, वेयर इज T1? ओके ये हमारा T1 सैंपल है और अब हमारा T2, T3 सैंपल बन रहा है अभी, और FYP अपने उरूज पर है क्योंकि मैं उसने बोल दिया था कि बेटा नो सोना, अपने लिए अपने लिए खराब करें, क्या डाला था सब कुछ करके अब फाइनली हम अभी हमने खाने पीने बैठे हैं, हम ही अगेन खाने पीने बैठे हैं, पहले हमने नाश्ता करा फिर उसके बाद हमने ब्रेड मंगाया, ये पिज्जा टाइम है। यस और इसके बाद ब्रेड बनने के बाद भी देखते हैं फिर क्या होता है, आपको ब्रेड के रिजल्ट्स भी तो दिखाएंगे जी। ओके हमारा FYP का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, इमन दिखाइए ये हमारी ओरिजिनल ब्रेड है जो हमने ब्रेड से करी,
ये तीन सीक्रेट ब्रेड्स हैं जिनके तीनों के अब हमें कल टेस्ट करने हैं और हमें देखना है कि टेस्ट पॉजिटिव आते हैं या नहीं. अगर पॉजिटिव आएंगे तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे किसके अंदर हमने क्या ऐड करा. बट नेगेटिव आए फिर भी बता देंगे, फिर भी बता देंगे. बट इंशाल्लाह यू गाइस, भी बहुत मुश्किल काम है सेंस भी करना है. आपके हिसाब से सही है, हमारे हिसाब से सही है जी. खाके थक चुकी हूँ. और सबसे बेस्ट इसमें जो है ना ये है टी वन आप सेल्फी कर देंगी जी. ये देखिए हमारे कंट्रोल सैंपल है, हमारी टी वन है, ये टी टू है. अब आप सेल्फी क्या बनाया है? ये हमने कैल्शियम रिच ब्रेड बनाई है, ऑस्ट्री प्रोसेस को क्योर कर रही है ये ब्रेड. और हम लोग यूट्यूब वीडियो बनाए हैं, आपकी डाल सकते हैं जी. श्योर ओके. आप बता दें हमें कौन सी ज़्यादा अच्छी आपको ब्रेड लगे सबसे. आप सेंसरी कर दो. यस अच्छा ठीक है, आप टेस्टिंग करके बताएं फिर जी. मैं इसकी टेस्टिंग नहीं कर सकती मगर मैं इसके टेक्सचर बता सकती हूँ. टेक्सचर पे कर जी. आप टेक्सचर पे कर. मैंने इस प्रकार के प्रोडक्ट की सेंसरी करी है. इनका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा था जो टी वन था. इन्होंने कैल्शियम रिच जो है ब्रेड बनाई है. आप इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें. इनके चैनल का नाम है डेली डोज ऑफ गाइस एंड सब्सक्राइब. गाइस हम लोग बहुत थक चुके हैं. फाइनली हमारा आधा सेंसरी वगैरह सब कुछ हो चुकी है. अब हम लोग कैफेटेरिया आए और ये बिल्कुल बंद हो चुका है कोविड की वजह से. आई विश कि हमें यहाँ से कुछ अच्छा वापस से वो सब मिले जो मिलते थी चीज़ें. लेकिन